Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा इजी और बहुत ही टेस्टी केक की रेसिपी। तो मतलब आजकल बेकिंग करने का सबका ही मन होता है कि कुछ बेक करें केक वगैरह, तो इसीलिए मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही अच्छा केक बनेगा। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको हम लोग छान लेंगे अच्छे से ताकि इसमें एक कोई भी लम्प्स ना हो बिल्कुल भी। फिर हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें 4 एग व्हाइट्स हम लोग ले लेंगे और इसको बीट कर लेंगे। तो हमें इसको इतना बीट करना है जब तक कि ये बिल्कुल व्हाइट ना दिखने लगे। तो ये आप 3 to 4 स्पीड पर बीट करिएगा और फिर जब ये अच्छे से फ्लफी हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे शुगर। यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर ली है और शुगर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ पूरी नहीं ऐड करनी है। इससे हमारे जो बैटर है इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होती जाती है धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमें इसको बीट करना है। फिर जब पूरी शक्कर हो जाए तो फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे एग योक्स, वो भी हमें 1 by 1 ऐड करने हैं और बीट करते जाना है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, 1 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस। यहाँ पर मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ इसीलिए मैंने पाइनएप्पल एसेंस लिया। आप वनीला केक बना रहे हो तो आप वनीला एसेंस भी ले सकते हैं, जो भी आपको फ्लेवर खाने का मन हो। तो फिर ये हमारा अब जो ये वेट इंग्रेडिएंट है इसमें हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो हम लोगों ने सिफ्ट करके रखा था। तो इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको कट एंड फोल्ड करके हमें इसको मिक्स करना है। किसी भी डायरेक्शन में नहीं मिक्स करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है ताकि जो हमारी एयर है वो अंदर बनी रहे। वरना अगर पूरे अच्छे से हर तरफ से मिक्स कर लेंगे तो वो एयर जो है बबल्स वो निकल जाएंगे और हमारा बैटर बैठ जाएगा। और इसमें मैंने 1/4 कप मिल्क भी ऐड किया है, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है और बस हमारा बैटर तैयार है। ये मैंने टिन ले लिया है केक टिन और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इस पे बेकिंग पेपर लगा दिया है नीचे की तरफ। और इसमें हम लोग बैटर डाल देंगे, इसे पूरा नहीं फिल करना है, थोड़ा सा डालेंगे आधे से भी कम ताकि हमारा केक अच्छे से राइज हो और उसको स्पेस मिले राइज होने के लिए। इस वजह से हम लोग थोड़ा ही थोड़ा बैटर ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2 टिन में ऐड कर लिया है और फिर इसको बेक कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 25 मिनट्स के लिए। और ये देखें ये हमारा केक बन के तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है और बहुत ही सॉफ्ट है। बस इसमें अंदर एक नाइफ डाल के देखेंगे और नाइफ क्लीन निकला है तो समझ लिए हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसको हम लोग टिन से निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने नाइफ से इसके साइड्स जो हैं स्क्रेप कर लिए हैं ताकि साइड से छूट जाए और बस इसको निकाल लेंगे एक किसी भी चीज़ में प्लेट वगैरह में। फिर इसको ये देखिए कितना स्पंजी केक हमारा बना है। इसको एक उस पर रखेंगे, प्लेट पे रखेंगे और इसमें ये फिर शुगर सिरप ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है 1 कप और 2 टेबलस्पून शुगर डाल के शुगर सिरप बना ली है और फिर इस पे पाइनएप्पल क्रश ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल क्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम लोग इस पर ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम। सो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, इसको 1-2 कप्स अप्रोक्स और इसको व्हिप कर लिया है और फिर इसके ऊपर से हम लोग पाइनएप्पल के चंक्स डाल देंगे तो इससे फ्लेवर और अच्छा आता है। और फिर ये हमारा सेकेंड बेस जो है इसको भी ऊपर ऐड कर देंगे और फिर इसके ऊपर भी शुगर सिरप डालेंगे और फिर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे ऊपर से और बस पूरे केक को अच्छे से कोट कर देंगे हम लोग क्रीम से। अगर आप व्हिपिंग क्रीम की भी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी कि मतलब आप अच्छे से कैसे क्रीम को व्हिप करें। तो ये रेसिपी भी मैं ऐड कर दूंगी अगर आपको चाहिए हो तो। सो ये देखिए इस तरह से पूरे हम लोग केक को कोट करेंगे व्हिपिंग क्रीम से। फिर हम लोग फिर से लगाएंगे नीचे की तरफ थोड़ी और ज़्यादा लेयर और इसको अच्छे से पैलेट नाइफ की हेल्प से हम लोग इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से इसको स्मूथ करें
बस ऐसे ये स्मूथ करते जाएं और जो एक्स्ट्रा क्रीम हो वो निकालते जाएं। और बस ये देखिए हमारा केक स्मूथ हो गया है। अगर आपसे बहुत अच्छे से स्मूथ नहीं हो पा रहा है और आप बिगनर हैं तो आप ये इस तरीके से पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरीके के स्ट्रोक्स दे करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं अपने केक में। ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल भी आपका केक बेकार नहीं लगेगा और आपको स्मूथ करने की भी टेंशन नहीं रहेगी। और बस ऊपर से यहाँ पे मैंने पाउडर कलर ले लिया और इसको स्प्रे कर दिया है। आपके पास कोई भी कलर हो तो स्प्रे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास थोड़े से स्प्रिंकल्स वगैरह हो तो वो इस पे ऐड कर दें, नहीं है तो जेम्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा केक हमारा ब्यूटीफुल लगने लगेगा देखने में। और बस ये देखें हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बन के तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, इसको आप ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं अवेलेबल है तो आप सिर्फ इसका स्पंज भी बना करके ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से केक बनाएं तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।